तो हम यहाँ पर नॉक हो चुके हैं और वो बंदे हम पर पुश कर चुके हैं। क्या हम ये फाइट जीत पाएंगे? क्या मेरा टीममेट मुझे रिवाइव दे पाएगा या फिर हमारा डब्बा बन कर जाएगा? जाने के लिए देखिए हमारी वीडियो। तो गाइज वेलकम बैक टू चैनल एलएनए गेमिंग। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं पबजी के 1.5 साल के बच्चे के साथ। अगर आपको नहीं मालूम ये 1.5 साल का बच्चा कौन है तो गाइज ये पबजी मोबाइल लाइट है। सो गाइज हम यहाँ पर फिर से ओल्ड बेसिन पे उतरे। पता नहीं यहाँ पर प्लेन का रूट हमेशा यहाँ से क्यों जाता है, तो फिलहाल हम यहाँ पर उतरे कुछ लूट कर बंदों को खिलाएंगे मस्त से। तो गाइज मुझे यहाँ पर AK और VSS मिली है। सामने के साइड पे 3 बंदे हैं, तो चलिए गाइज उन्हें खिलाते हैं हम। Enemy down. चूस कुमार या सामने की ओर एक बंदा। अबे क्या कीड़ा चढ़ा मेरे आंख पे। चिंटियां है क्या तेरी? इधर आ नदी में ऊपर आ। Enemy. तो भाई लोग बंदों को तो पेल दिया, तो फिलहाल हम यहाँ से दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो भाई हम ये साइड पे आते थे तो मेरा टीममेट बोलता है भाई छत पे बंदा है, तो उसे भी अब हम रश कर खतरनाक तरीके से पेलेंगे। रुक नदीम, तू हट रहा उसे। हील कर रहा, हील कर रहा। तो गाइस इस बंदे को पेलने के बाद मुझे सामने से कुछ शूट्स आते हैं, तो भाई उसे भी जाकर पेलेंगे मजे से। तो भाई लोग इसको खत्म करने के बाद मुझे पीछे से कुछ शूट्स आते हैं। तो गाइस इसे पेलने के बाद मेरा टीममेट बोलता है पीछे की साइड पे एक बंदा है। तो गाइस यहाँ पर तो फाइट रुकी नहीं रही होती है गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है फिलहाल। मार तो मेरे को मिली जरा एक ही। तो भाई लोग ये बंदे को नॉक करने के बाद हम यहाँ से कुछ लूटेंगे। और भाई उतने में मेरा टीममेट, जब मैं लूटता हूँ मेरा टीममेट चिल्लाता है भाई यहाँ पर बंदा है, यहाँ पर बंदा, जल्दी आ जा। तो मैं उसके तरफ जाके वो बंदे को पेल देता हूँ। तो भाई लोग इनको खिला के हम यहाँ पर से दूसरे बंदे की ओर चले जाते हैं। और गाइस रुको, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है भाई, अभी और फाइट आने वाली है। मतलब ये इस मैच में मेरे 18 किलो हो चुके हैं। तो गाइस देखते रहना हम कैसे बंदों को खिलाएंगे अभी। और भाई एक बंदा सस्ते नशे करके डैश के में आता है भाई, देखना उसे भी कैसा खिलाएंगे। दो गोली में मरा। तो भाई लोग यहाँ के बंदों को ठहलाने के बाद हम इन्होंने कुछ लूट लाट करते हैं और हमें फिर से दो बंदे मिलते हैं। और मैं जिसकी बात कर रहा था भाई डासिया के सस्ते नशे वाला, तो वो भी आ गए भाई। तो भाई इस डासिया के बंदे को पेलने के बाद हम यहाँ पर इनसे कुछ लूट लाट कर लेते हैं। और भाई हम यहाँ से डासिया लेके निकलने में होते हैं, तभी भाई एक बंदा इससे भी ज़्यादा सस्ते नशे कर भाग रहा था भाई, देखना। अबे बंदा है यहाँ सही में। Enemy. Enemy down.
तो भाई इस बंदे को देखा भाई, मतलब इसकी तो अपनी एक अलग ही चौड़ थी भाई। हम यहाँ पर भाग रहे हैं, मतलब या डैश वाले ने अपनी चौड़ में भाग रहा है भाई, क्या हमें मजाक समझ कर रखा है? तो खैर इसे छोड़ो फिलहाल, तो हम यहाँ से अभी थर्ड हिल पर चले जाते हैं बंदे ढूंढने की तलाश में। अभी और किल चाहिए भाई, इतने किल में थोड़ी हमारी वीडियो बनेगी, कंटेंट बनेगा, तो चलते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर इस बंदे को डैमेज देता हूँ, पर वो बंदा नीचे कूद जाता है। तो भाई मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करता हूँ भाई वो बंदे को, और देखना भाई वो बंदा कहाँ होता है। तो भाई आपने देखा वो बंदा कहाँ था भाई? वो तो भाई इन सबसे ज़्यादा सस्ते नशे भाई, मतलब पूछो मत भाई, इतने नशे करके बैठा था भाई। और उसका टीममेट भी भाई एकदम ओपन से निकल के मार रहा है भाई मेरे टीममेट को। तो भाई मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वो मेरा भाई जिसको मैं कल की वीडियो में बोला था मैं उसे आज की वीडियो में लाऊंगा, तो यही है भाई, वो मेरा टीममेट बहुत ही तगड़ा खेलता है। उसका भी चैनल है, उसकी लिंक आपको चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके कमेंट्स में स्पैम कर देना। तो फिलहाल हम यहाँ से इसकन से लूट ये वो कर मैं अपने टीममेट से 6x मांग लेता हूँ, और यहाँ से हम निकल लेते हैं जोन के अंदर। तो भाई लोग हम यहाँ पर फिलहाल सेंट्रल रोड के पीछे के साइड पे आ जाते हैं ओल्ड बेसिन से। तो फिलहाल गाइस देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बुरे, एकदम बहुत ही बुरे गलत सीन होने वाले है। तो भाई अब क्या बहाना दूं गाइस मैं फिलहाल, नहीं भाई मेरी गन जरा रिलोड पर चले गई थी तो मैं गन स्विच करा था। हाँ मुझे पता है, ये कोई बहाना नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर नॉक हो जाते हैं, तो उनका भी टीममेट मैंने एक नॉक किया था, वो भी रिवाइव करेंगे भाई, हम भी रिवाइव करेंगे, और भाई वो हमारे ऊपर पुश कर देते हैं। तो गाइस देखना हम उन्हें गाइस कितना पिलते हैं। और गाइस जो बंदा होता है गाइस एकदम अपने अलग ही नशे, मतलब अपनी ओन धुन में होता है गाइस, देखना उसे भी कैसा पिलते हैं हम। तो भाई लोग हम यहाँ पर नेट कर देते हैं गाइस, आपको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है मेरे नेट से आलू भी कुछ नहीं होने वाला, बस खाली उसे डैमेज होता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर आजू बाजू से शूट्स आ रहे होते हैं और कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही होती है। तो भाई मुझे लगता है कि हमें लगता है कि वो बंदा वो बंदे पता नहीं आज मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बंदे हम लोगों के ऊपर रश कर रहे होते हैं। तो फिलहाल तो हम लोगों के ऊपर रश नहीं कर रहे होते, आखिर में जोन आ रहा होता तो हमें ही उन्हें पेलना पड़ता है। और भाई लोग ये इतने ढीठ बंदे होते ना गाइस, जोन आता है फिर भी अपनी जगह से निकलते हैं, तो हमें इन्हें पेलना पड़ता है। तो भाई लोग हम इसको डैमेज देने के बाद डायरेक्ट पुश कर देता हूँ गाइस, मेरे को उसकी हीलिंग की आवाज आ जाती है। और भाई ये बंदा तो अपने अलग ही नशे में था भाई, अपना उसका टीममेट नॉक हो चुका है फिर भी भाई पलट के नहीं दिया भाई, एकदम सांप की तरह लेटा हुआ था भाई। फिलहाल घास तो नहीं दी वहाँ, फिर भी गिली सूट पहन के लेटा हुआ था। तो हम यहाँ पर फिलहाल जोन में जाने की तैयारी कर रहे थे, और भाई देखना आखिरी बंदा किधर होता है और हम इसे कैसा पेलते हैं। और भाई यह था हमारा चिकन डिनर। तो भाई मैं जब यहाँ पर आया था, मेरी M4 में सिर्फ 3 गोली थी भाई, और मेरे AK में भी। तो फिलहाल मुझे उसे रीलोड करना था, तो भाई मैं झटपट उतरता हूँ और रीलोड कर लेता हूँ, और भाई वो भाई की गन रीलोड पर चले जाती। तो भाई मैंने भी कहा भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, और M4 से पिल दिया भाई उसे, और हुआ था हमारा चिकन डिनर। तो गाइस अगर आपने मेरे भाई का चैनल को अभी भी चेकआउट नहीं किया तो लिंक ऑलवेज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन अवेलेबल फॉर यू। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।